आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी शहर में गणेश चौक से लेकर शुक्रवारी तक का मार्ग बहुत ज़्यादा संकीर्ण है। शुक्रवारी से घस्यारी मोहल्ला चौक तक का मार्ग भी संकीर्ण है। घस्यारी मोहल्ला चौक के आगे मार्ग बहुत ज़्यादा चौड़ा कर दिया गया था तत्कालीन जिलाधिकारी गोपाल चंद डाट के कार्यकाल में। ये देखिए, यहाँ जब चाहे तब गणेश चौक पर जाम लग जाता है और ये पूरा का पूरा रास्ता, सकरा रास्ता मिशन स्कूल से गणेश चौक होते हुए शुक्रवारी और घस्यारी चौक तक इसी तरह सकरा रहता है और दिन भर यहाँ जाम लगा रहता है। ना तो यातायात प्रभारी को इस बारे में कोई चिंता की स्थिति दिखती है कि वे इस मामले में चिंता करें, ना ही जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन किसी के द्वारा भी इस जाम से निपटने की कोई कार्य योजना बनाई जा रही है या बनाई गई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से सादिक खान की ये रिपोर्ट। ये गणेश चौक का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। गणेश चौक पे जाम लगा हुआ साफ दिख रहा है और यहीं से एक रास्ता बालाघाट की ओर जाता है, मंडला की ओर जाता है। अगर यहाँ जाम लगातार लगा रहेगा तो यहाँ से मंडला बालाघाट जाने वाले वाहन कैसे निकल पाएंगे, यक्ष प्रश्न यही बना हुआ है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से सादिक खान की रिपोर्ट। ये देखिए, गणेश चौक पर धीरे धीरे रेंगते हुए वाहन आपको साफ दिखाई दे रहे होंगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता शायद नहीं है। देखा जाए तो कटंगी नाके से घस्यारी मोहल्ला चौक तक जो सड़क का चौड़ीकरण हुआ, उस सड़क को चौड़ा करते हुए गणेश चौक तक लेकर आने की कार्य योजना थी, पर उस दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी गोपाल चंद्र डॉट की जीसी डॉट के द्वारा उसमें बहुत ज़्यादा उस समय प्रयास नहीं किए गए। इसके अलावा उसके बाद प्रवीण सिंह अढ़ायच जब सिवनी में जिलाधिकारी थे, तब भी अतिक्रमण के नाम पर यहाँ पर बहुत सड़कों का चौड़ीकरण और तोड़फोड़ की गई। पर वो जो उस समय 2019 में नवंबर से लेके नवंबर के अंतिम सप्ताह से 15 दिसंबर के बीच में जो दो चरणों में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया था, वो अतिक्रमण विरोधी अभियान कहाँ चला गया, सड़कें चौड़ी हो पाईं अथवा नहीं हो पाईं, इसे देखने की फुर्सत किसी को भी नहीं है। सिवनी के सांसद, सिवनी के विधायकों को चाहिए कि वे एक बार जिला प्रशासन के साथ बैठकर जो भी कार्य योजना बनाई गई थी उस कार्य योजना पर अमल हुआ या नहीं, इस बारे में विचार जरूर करें। इस बारे में उसका पालन प्रतिवेदन अभी तक प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं किया गया। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता शायद नहीं होती है। यहाँ पर जाम किस तरह लगा हुआ है, ये जाम आए दिन लगता है। ये स्थितियाँ तब बन रही हैं जब अभी फिलहाल शालाएं नहीं लग पा रही हैं पूरी स्ट्रेंथ के साथ। अगर यहाँ शाला लगना आरंभ होंगी तो इसके थोड़ा सा आगे अगर आप जाएंगे तो एक ही परिसर में तीन तीन शैक्षणिक संस्थान, छोटा मिशन स्कूल सहित दो और शैक्षणिक संस्थान कैसे कार्यरत हैं, कैसे संचालित हैं, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा एक परिसर में तीन विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन की अनुमति कैसे दे दी गई है, ये भी एक बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है। इस मार्ग पर आगे बैंक भी हैं जहां भीड़ लगी रहती है। ये इस तरीके की स्थितियों से दो चार होना सिवनी के नागरिकों की नियति बनकर रह गई है। सिवनी में देखा जाए तो यातायात को सुचारू बनाने के लिए, यातायात के सुचारू संचालन के लिए किसी तरह की कोई ठोस कार्य योजना ना तो जिला प्रशासन ना पुलिस प्रशासन के द्वारा बनाई गई, और ना ही, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों के द्वारा नहीं बनाया गया तो नहीं बनाया गया। नागरिकों से भी, जो जिम्मेदार नागरिक हैं उनसे भी कभी इस मामले में विचार विमर्श करने की जहमत जिला प्रशासन, सिवनी के सांसद, सिवनी के विधायकों ने कभी नहीं उठाई है। ये अपने आप में एक बहुत गंभीर बात मानी जा सकती। देखिए, कितनी देर बाद गैस की गाड़ी वहाँ से निकल पाई। अगर ऐसे में बीच में कहीं कोई एम्बुलेंस फंस गई तो क्या होगा, इस बारे में सोचकर ही सिहरन पैदा होना स्वाभाविक है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से सादिक खान की ये रिपोर्ट। ये आपको गणेश चौक का नज़ारा दिखा रहे हूँ। गणेश चौक पर जब चाहे तब
यातायात जाम होना आम बात हो गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास पटिंग, जिला पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नवनीत पांडे सहित अन्य जिम्मेदारों से अपेक्षा है। बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, सिवनी के विधायक दिनेश राय से भी अपेक्षा है कि वे भी इस गंभीर संकट के संबंध में कोई ना कोई ठोस कदम उठाएं, कार्य योजना बनवाएं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से सादिक खान की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में अगर आपको ऑडियो बुलेटिन, वीडियोस, मौसम के अपडेट आदि पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। हम फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के लेके। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद।